हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा जॉली। आज का हमारा टॉपिक है सेक्रेटरियल कंप्लाइंसेस फॉर स्टार्टअप्स। जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल स्टार्टअप्स तो बहुत सारे खुल रहे हैं, लेकिन उनको क्या क्या कंप्लाइंसेस करने हैं इनके बारे में अभी उन्हें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। तो आज हम यही बताने जाएंगे कि कंप्लाइंसेस क्या हैं, कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उसने पूरे साल क्या क्या काम किया उसकी इंटीमेशन ROC को देनी होती है। ROC क्या होता है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। रजिस्टर ऑफ कंपनीज हर स्टेट का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है तो दिल्ली ROC, UP में है तो ROC ऑफ कानपुर। तो अब आगे मैंडेटरी कंप्लाइंसेस क्या होते हैं कंपनी के लिए, वो होते हैं, सबसे पहला कंप्लाइंस होता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जो है एज पर कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी है उसको बोर्ड मीटिंग करनी होती है विदिन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। उसके अंदर जो पॉइंट्स रखे जाते हैं वो होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, शेयर इशुएंस सर्टिफिकेट। मैंडेटरी पॉइंट जो होता है वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, एंड ये जो अपॉइंटमेंट है ये विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए। और इसकी इंटीमेशन जो है वो ROC को जाती है फॉर्म EDT-1 में विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑडिटर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगली हम बात करें आगे कंप्लाइंसेस पे बढ़ें, तो पूरे साल कंपनी को जो है वो बोर्ड मीटिंग करनी होती है। बोर्ड मीटिंग्स के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कंपनी ने पूरे साल क्या काम किया, क्या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो बोर्ड मीटिंग्स जो है वो करनी मैंडेटरी हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो होते हैं वो होते हैं एनुअल कंप्लाइंसेस। ये जो है ये हमें आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करने होते हैं। जब भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उसके 6 मंथ्स के अंदर कंपनी को AGM करनी होती है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर वो लोग डिस्कस करते हैं पूरे साल कंपनी ने क्या काम किया, क्या पोजीशन रही कंपनी की, इस सब को वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी पॉइंट्स रखे जाते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसके लिए एक फॉर्म फाइल होता है, उसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म AOC-4। ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है AGT-1। एक फॉर्म होता है AGT-7, वो होता है एनुअल रिटर्न कंपनी की, जिसमें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जाता है शेयर होल्डर्स का। सो दीज आर दी सेक्रेटरियल कंप्लाइंसेज फॉर स्टार्टअप्स। होप यू ऑल विल फॉलो दीज कंप्लाइंसेज।